हेलो एवरीवन। सो आज है मेरे पास आपके लिए कुछ कमाल की सीड्स। फटाफट जानते हैं, सो लेट्स गो। ये रही आज की हमारी पहली सीड। सो यहाँ पर हम स्पॉन होते हैं एक सैंड बायोम में, नो आगे सवाना है। एंड ये रही आज की, और ये रही आज की खास जगह जिसके बारे में ये सीड है। हम इसके बगल में जैसे स्पॉन होते हैं, एंड यहाँ पर ये पूरा स्काई ब्लॉक टाइप बना हुआ है, मतलब की हवा में है यार पिलर इसका। अगर आप अपने छोटे छोटे गाँव मतलब एक विलेज टाइप बनाओ हल्का सा, तो हर एक जो विलेज का घर रहेगा वो अलग अलग इस चट्टानों के ऊपर बना रहेगा। क्या मस्त दिखेगा वो, मतलब दूर से देख के लगेगा कि वाह क्या चीज है। और इसी के बगल में कुछ ज्यादा ही बड़ा समंदर भी है, और जस्ट सामने एक विलेज भी दिख जाएगा जो कि ज्यादा ही नहीं, बस यहाँ पर वो हमारा मेन पॉइंट है। एंड यहाँ पर हमारा ये विलेज जो काफी बड़ा है देखने में। एंड यहाँ पे पास में इसके केव जाती है, आयरन गोलम भी फ्री में मिल जाएगा। ये रही आज की हमारी अगली सीड जो काफी बड़ी है, लेट्स गो। सो हम इस फोन होते हैं एक रूइन पोर्टल के जस्ट सामने, एंड ये तो आधा बना हुआ है। एंड इसकी चेस्ट में क्या है? ओके, गोल्डन एक्स, गोल्डन एप्पल, फ्लिंट और फायर चार्ज। बट खास बात ये नहीं है, खास बात तो और कुछ ही है। खास है इसके माउंटेन्स, अरे नहीं नहीं नहीं, खास है इसकी एंशिएंट सिटी जो कि है जस्ट इसके नीचे। सो वो रहा सामने हमारा रूइन पोर्टल जहाँ पर हम स्पॉन हुए थे। एंड आपको आना है इस पहाड़ के ऊपर, और उसके बाद जाना डायरेक्ट इसके नीचे खोदते हुए, ऑफ कोर्स क्योंकि डायरेक्ट वहां तो स्पॉन हो गए नहीं। यहाँ तो मॉब सुन के भी अलग ही पार्टी चल रही है केव में, जैसे बच के निकलना अगर सर्वाइवल में आते हो तो। तो रास्ते में हमको एक माइन शाफ्ट भी दिखती है जो कि ये रही, मतलब रास्ते में पड़ती है माइन शाफ्ट। ओके, तो शुरुआत हो जाती है हमारी एंशिएंट सिटी की। तो ये रही वो एंशिएंट सिटी जिसकी मैं बात कर रहा था, और एक काफी बड़ी है, और यहीं पर इसकी माइन शाफ्ट भी रहती है। एंड यहाँ पे इसके जस्ट पीछे और इसी सिटी के बगल में यहाँ पे लश केव भी स्टार्ट हो जाती है, अगर उससे मन भर जाए तो यहाँ लश केव के मजे लेने आ सकते हो। तो ये रही हमारी अगली सीट। सो हम स्पॉन हुए फॉरेस्ट बायोम, इसके जस्ट बगल में प्लेन्स है, उसके सामने यहाँ पर जंगल बायोम, यहाँ पर वापस से प्लेन्स, और आपको फिर वहां से आ जाना है इस कोऑर्डिनेट्स पर, और उसके बाद आ जाना है और ज्यादा नीचे, और यहाँ पर आ जाओगे स्ट्रॉन्ग होल्ड के जस्ट पास में, और यहाँ पर एक आयो फेंडर भी लगी है। सो यही सीट थी स्पीड रन वालों के लिए जिसे स्पीड रन करनी हो। ये रही अगली सीट। अगर तुमने केमल की राइड के मजे अभी तक नहीं लिए हैं तो यार ये सीट तुम्हारे लिए ही है। हम स्पॉन होते हैं यहाँ पर जहाँ पे मैंने कहा था डेजर्ट बायोम में, बगल में आपको यहाँ पे एक विलेज मिल जाता है जो काफी बड़ा एंड शानदार है, और एक केमल भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा जिसकी राइड करने का मैं बोल रहा था इतनी देर से। एंड यहाँ पे सेडल लगाओ एंड इसकी राइड के मजे लो। सो आपको आज की सारी सीट कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम एक और सी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।